एसडी कॉलेज छात्र संघ पदाधिकारियों ने महाविद्यालय प्रशासन को एक आवेदन देकर सूचना के अधिकार के तहत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। एसडी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत के अनुसार छात्र संघ ने 17-19-20 में महाविद्यालय की प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होने की स्थिति में कितने विद्यार्थियों को महाविद्यालय की ओर से फीस राशि रिफंड की गई है उसकी सत्यापित सूची उपलब्ध करवाने, राज्य सरकार की ओर से आवंटित बजट के उपयोग संबंधी सभी प्रकार का ब्यौरा मय बिल के देने तथा सत्र 2021 में विद्यार्थियों से लिए गए विकास शुल्क के उपयोग संबंधी ब्यौरा भी मय बिल के उपलब्ध करवाने की मांग की है। अध्यक्ष रावत ने बताया कि इस बाबत महाविद्यालय प्रशासन को 7 दिन का समय दिया गया है। अगर निर्धारित अवधि में उक्त सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है तो छात्र संघ की ओर से आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। आवेदन पत्र देने के दौरान उपाध्यक्ष पंकज सिंह, सचिन भदौरिया, मोहित सोढ़ा, मानवेंद्र सिंह, गोलू शर्मा, दिनेश सिंह रावत, सुनील राजू सिंह, सूरज सिंह, आकाश रावत, गोपाल तथा लोकेश सेन सहित अन्य छात्र नेता शामिल थे। सूचना के अधिकार 2005 के नियम के अंतर्गत हमने महाविद्यालय के प्राचार्य से हमने मांग करी कि 2019-20 के अंदर जो विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया और जो विद्यार्थी वेटिंग में थे जिनका नाम यहाँ कंफर्म नहीं हुआ उनकी जो फीस या एडमिशन फीस जो ऑनलाइन कटवाई गई वो कितने विद्यार्थियों को वापस रिफंड करा दी गई। और दूसरी हमारी ये मांग रही कि जो राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय को बजट दिया गया वो बजट कहाँ कहाँ यूज किया गया, मैं बिल हमें उसकी प्रतिलिपि दी जाए। तीसरी मांग हमारी ये रही कि 2020 और 21 के अंदर जो महाविद्यालय द्वारा प्राइवेट स्टूडेंट से जो 230 रुपये महाविद्यालय शुल्क वसूला गया वो कहाँ कहाँ विद्यार्थियों के हितों में यूज किया गया उसका भी मैं बिल हमें दिया जाए। हमने महाविद्यालय प्रशासन को 7 दिन का समय दिया, 7 दिन के अंदर अंदर हमें तीनों मांगों के ऊपर पूरी कार्रवाई और पूरे बिल के साथ में हमारे साथ में सौंपा जाए। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका जापान जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जांच मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मौर्य आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा, बिना टांका, बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल, मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी, सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल अजगर बाबा थान के पास सेंद्रा रोड ब्यावर। डॉक्टर मौर्य एमएस फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर कटारिया कॉलोनी के पास गणेशपुरा रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142-64461।